जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, आप लोगों द्वारा हर बार एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सभी ट्रेन्स कब से चलेंगी। इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सभी ट्रेन्स क्यों नहीं चल रही हैं और अगर चलेंगी तो ये कब से चलेंगी और कौन सी तारीख से चलेंगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। दोस्तों, हमारी लाइफ में ट्रेन्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में तीन टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम हैं। पहला बाय एयर, दूसरा बाय रोड और तीसरा बाय रेल। इन तीनों ट्रांसपोर्टेशन माध्यम में से सबसे सस्ता अगर देखा जाए तो वो रेल ही है। इसीलिए रेलवेज का बहुत बड़ा असर सब पर पड़ता है। अगर ट्रेन्स नहीं चल रही हैं तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। किसी को अपने जॉब पर जाने में दिक्कत हो रही है, किसी को दूसरे स्टेट में जाके अपना बिजनेस करने में दिक्कत हो रही है। इन सभी वजहों से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि सभी ट्रेन्स कब से चलेंगी और रेलवेज क्यों नहीं चला रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद प्लेन्स चलने लगे, रोड पर ट्रांसपोर्टेशन चलने लगा, लेकिन सिर्फ ट्रेन्स के साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है कि वो स्पेशल के रूप में चल रही हैं। जहां 13,000 के आसपास ट्रेन्स भारतीय रेल में चलती थीं, वहां पर आज की डेट में सिर्फ 2,000 ट्रेन्स ही चलाई जा रही हैं। इस वजह से भी लोग ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ZBT यानी कि ज़ीरो बेस टाइम टेबल। भारतीय रेल अपनी सभी ट्रेनों का टाइम टेबल बदलने जा रहा है और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भविष्य में ट्रेन्स लेट ना हो। हमारे देश में जितनी भी ट्रेन्स पहले चलती थीं हमेशा लेट हो जाती थीं और लेट होने के लिए ही वो सबसे ज़्यादा फेमस होती थीं। इस तरीके से ट्रेन चलती थीं, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भारतीय रेल के पास एक ऐसा मौका आया है कि वो सभी ट्रेनों के टाइम टेबल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या, जो ट्रेन्स पहले से चल रही थीं उन सभी ट्रेनों के टाइम टेबल को ज़ीरो से स्टार्ट किया जाएगा। ज़ीरो से स्टार्ट का मतलब भारतीय रेल अभी मानेगा कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, उनके पास पूरा समय है, वो अपने हिसाब से पूरे टाइम टेबल को रीजेनरेट करेंगे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। आप ये भी देख रहे होंगे जो स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं उनके भी टाइम टेबल में फेरबदल हो रहा है। कभी ट्रेन टाइम से पहले पहुंच रही है, कभी लेट पहुंच रही है, या फिर नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपकी ट्रेन का समय बदल चुका है। ये सब ज़ीरो बेस टाइम टेबल का असर है। आने वाले कुछ दिनों में या फिर नए साल में आपको जितनी भी ट्रेन चलती हुई नज़र आएंगी वो सभी ज़ीरो बेस टाइम टेबल पर चलती हुई नज़र आएंगी। इस वजह से भी ट्रेनों को नहीं चलाया जा रहा है और हो सकता है कि नए साल से आप लोगों को सारी ट्रेन्स पटरियों पर दौड़ती हुई नज़र आएँ। सूत्रों के हवाले से तो यही खबर है, डेट अभी कन्फर्म नहीं आई है। हो सकता है कि जनवरी की पहली तारीख या फिर 15 तारीख के आसपास ट्रेन्स शुरू हो जाएं। फिलहाल ये भी 100% श्योर नहीं है कि ट्रेन्स कब से चलेंगी, लेकिन पूरा टाइम टेबल चेंज हो रहा है, इस वजह से ट्रेनों को अभी स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही ये ज़ीरो बेस टाइम टेबल आएगा इसमें बहुत सी नई ट्रेन्स भी आएंगी। इस वजह से भी मैं ट्रेन के टाइम टेबल वाले वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि सभी टाइम टेबल चेंज हो जाएंगे और इस समय अगर वो वीडियोज़ बनाए जाते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, सभी ट्रेनों के संचालन से संबंधित मेरे पास बस इतनी ही न्यूज़ थी। हो सकता है कि नए साल से सभी ट्रेन चलने लगें। जैसे ही ट्रेनों के संचालन से संबंधित या फिर सभी ट्रेनों के संचालन से संबंधित कोई भी न्यूज़ मेरे पास आती है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।